हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरोह भाग एक काव्यखंड का चैप्टर 17 है गजल, जिसके की रचयिता है दुष्यंत कुमार। आज मैं आपको इस गजल की व्याख्या बताने जा रही हूँ। तो देखिए, कहाँ तू तय था चिराग हरे घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। कवि कहता है कि स्वतंत्र भारत में हमने प्रण लिया था कि अब यहाँ हर घर में दीपकों की माला जलेगी, अर्थात सबको ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। किंतु हुआ इसके विपरीत। अब तो पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया जा सका। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। सफलता या प्रकाश के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। कवि कहता है कि यहाँ तो पेड़ भी ऐसे हैं कि जिनकी छाया में छाव मिलने की बजाय धूप लगती है, अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था और शासन ऐसे हैं कि उनके आश्रय में रहकर कोई शिक्षा नहीं बल्कि कष्ट ही कष्ट हैं। आज़ादी के बाद नेताओं ने देश के सुचैन के लिए कुछ भी नहीं किया। अब तो यह मन करता है कि यह देश छोड़कर और कहीं चले जाएं हमेशा हमेशा के लिए। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कवि कहता है कि भारत के लोग इतने धीर और दबे कुचले हैं कि वे कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते। उन्हें पहनने के लिए कमीज ना मिले तो अधिकारों के लिए वे संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे अपने पांवों को सिकोड़ कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जी बहुत ही भले हैं। इन्हीं के कारण शासन सत्ता बड़े आराम से चलती है। खुदा नहीं सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए। कवि कहता है कि ये भारतीय जन खुदा को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नजारा रहे। यहाँ के धार्मिक लोगों का भगवान भी सच्चा नहीं है, यह उनके सपनों का संसार है। उनका खुदा पर इंच भर भी विश्वास नहीं है। वे मुतीन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। समाज का शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरह यह विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं, उनमें कोई दया सहानुभूति या संवेदना नहीं है। परंतु मेरा विश्वास है कि आवाज़ में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे, इसलिए मैं दुखियों पीड़ितों की आवाज़ में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरा निजाम है सिल दे जुआ शायर की, ए एहतियात जरूरी है इस वहर के लिए। कवि कहता है कि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जबकि शायर लोग चुप रहें, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ ना उठाएं। उनके शासन के लिए यह सावधानी भी जरूरी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी जवाने में कुछ उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ ना उठाएं। उनके शासन के लिए यह सावधानी जरूरी भी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी जवाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किए रखना है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले, गुलमोहर के लिए। कवि कहता है कि हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के लिए जिए, और गैर की गलियों में मरें तो भी इसी गुलमोहर के लिए। कहने का मतलब यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है, हम इसी के लिए जिए और इसी के लिए मरें। धन्यवाद।